जय श्रीमन्नारायण गुरु जी। गुरु जी मुझे ये पूछना है कि लोग कहते हैं कि एकादशी के नेक्स्ट डे सरसों का तेल नहीं खाना चाहिए, तो ये सही है? किस दिन? द्वादशी को सरसों का तेल नहीं खाना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। द्वादशी को चावल खा के ही व्रत पूरा करना चाहिए। और सरसों का तेल खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। अच्छा सर, एक प्रश्न और है गुरु जी। गुरु जी मैं जब भी नाम लेती हूँ भगवान जी का, तो जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण, और एक ये जो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ये तो निकलता ही है, लेकिन जय श्री कृष्णा जय श्री राम जय श्रीमन्नारायण सब इकट्ठे ही निकलता है मेरे। सब अच्छा है ना, तो सब भगवान की तो नाम है सर। लेकिन गुरु जी आप कहते हैं कि एक नाम को धारण, तो एक ही नाम है, ये एक ही ईश्वर के नाम है, राम कृष्ण। हाँ, वो एक ही है, तो आप चिंता ना करिए, मतलब तीनों निकलते हैं, कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल एक ही है ये। अच्छा सर गुरु जी एक क्वेश्चन और। गुरु जी हम गुरु मंत्र जैसे आपसे लेते हैं, तो गुरु मंत्र लेने के बाद हम लहसुन प्याज खाते हैं, और गुरु मंत्र लेने के बाद तब वो कोई दिक्कत नहीं है, गुरु मंत्र लेने के बाद भी लहसुन प्याज खा सकते हैं? कोशिश करो कि ना खाओ, पर कोई खाए तो कोई आपत्ति नहीं है, मांस मदिरा ना खाओ, बाकी ठीक है। अच्छा राधे राधे गुरु जी। गुरु जी आप भागवत कथा में आज ही बोला था कि कृष्ण भगवान ने कपड़े चुराए थे, तो मतलब पहले के जमाने में तो बोर नहीं होते थे ना, कुंडा वगैरह लगाने के नहीं होते थे बाथरूम में, आजकल तो बाथरूम वगैरह होते हैं, तो आजकल भी वही करना चाहिए सिस्टम पहले वाला, या ये वाला प्रश्न है? बाथरूम में भी जब आप लगा के दरवाजा नहाएं तो भी निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए। अच्छा, निर्वस्त्र हो के इसलिए नहीं नहाना चाहिए क्योंकि भले हमें कोई ना देख रहा हो पर प्रकृति तो देख रही है। अच्छा, है ना, तो ईश्वर तो देख ही रहे हैं, वरुण देवता तो देख ही रहे हैं, तो हमें निर्वस्त्र होके नहीं नहाना, यही परंपरा बंद की है भगवान ने। अच्छा, कहीं भी हो, खुले में हो या बंद हो, निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए। एक और प्रश्न है, भागवत के बाद आप ये बताते हैं कि सांबे का पेट पर कपड़ा बांध के जाना, वो वाला समझ नहीं आता, क्या बताते? सांब पेट में कपड़ा बांध के गया था, साड़ी पहन के गया था, पेट में कपड़ा इसलिए बांधा, पेट बड़ा, ताकि ये लगे कि बहू को कुछ है होने वाला। तो संत जी से पूछा कि बेटा होगा कि बेटी होगी, संत जी ने कहा परीक्षा ले रहा है, ये तो बहू है ही नहीं, ये तो लड़का है, हमारी परीक्षा लेने के लिए कपड़ा बांध के झूठ मूठ का नाटक कर रहे हो, तो श्राप दे दिया। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी मैं आपको दो दिन से वेट कर रहा था, कब मैं आपसे मिलूं, कब मिलूं, बहुत रोया सही में गुरु जी मैं आपके लिए बहुत ज्यादा। जी गुरु जी मुझे आपसे एक सवाल पूछना था, आप कहते हो कि माता पिताओं में सबसे पहले भगवान देखो फिर जाके मूर्तियों में देखना, अगर माता ही पिता अगर मीट मांस खाए और गाली गलौज करे तो क्या तब भी हमें उनमें भगवान देखना चाहिए? नहीं, अपन उनमें भाव भगवान का रखो, पर भगवान की सेवा करो, समझाओ कि ना करो, बाकी नहीं माने माँ बाप यदि गलत रास्ते पर हैं तो ऐसे आप भाव से उनका सेवा का भाव रखो, पर जरूरी नहीं है कि आप उनसे सलाह लो, कोई बात करो, मीन्स आप गलत लोगों की सलाह, चाहे बाप भी हमें गलत सलाह दे तो बाप की भी गलत सलाह नहीं माननी चाहिए। जी महाराज जी मैंने ना अयोध्या में छोटा सा राम का किरदार निभाया था महाराज जी, मैं आपके सामने छोटा सा डायलॉग बोर्ड सुनाना चाहता हूँ महाराज जी, श्रीमन्नारायण का ही है। श्रीमन्नारायण जब धरती पे अवतारित होते हैं तभी वो डायलॉग बोलते हैं, सुनाओ महाराज जी। त्रिपुरारी पापी के पाप में ही उसके नाश का बीज छुपा रहता है, जो रावण ये समझता है कि उससे बढ़कर कोई शक्ति नहीं रही, उसी अहंकार के कारण रावण अपने आप को दुष्ट समझता है, और इस मानव रूप में मैं अवतारित लेकर राम भगवान का दशरथ के घर में जन्म लूंगा और असुरों के अत्याचारों से पृथ्वी की रक्षा करूंगा, ताकि धरती पर जहां भी लोग सत्य और धर्म का साथ दे, मैं एक विश्वास हो के अंत में सच्चाई की विजय होगी और इस सृष्टि में एक ही जय गुंज गूंजेगा, सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते, जय श्री मनारायण।